आप योगी जी से कभी मिले हैं? नहीं, मैंने मिला नहीं। आप मिले नहीं हैं? नहीं, मैं मिला हूँ एक मीटिंग में, जब एज ए सोनी जी का रिप्रेजेंटेटिव भी मैं रहा, उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी, थोड़ा गांव में आप जाएंगी तो आपको गड्ढा युक्त सड़कें मिलेंगी। आपको नहीं लगता कि स्मृति ईरानी बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट है, ऑलरेडी सिटिंग एमपी हैं, आपके खिलाफ लड़ रही हैं? कैंडिडेट कोई भी हल्का नहीं माना जाता है, तो ठीक है, हर आदमी जीतने के लिए लड़ता है, तो क्या मैं हारने के लिए तो नहीं लड़ रहा हूँ, तो मैं भी तो जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, वो भी जीतने के लिए लड़ रही है, फैसला जनता के ऊपर छोड़ना है। उनके टिकट पर मोदी जी हैं, आपके टिकट पर कौन है? मतलब टिकट मतलब जब वो लड़ती हैं वो कहती है मैं मोदी के लिए वोट मांग रही हूँ, आप किसके लिए वोट मांग रहे हैं? हम कांग्रेस के लिए, गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। गठबंधन आपको दिखता है? मुझे तो दिखता ही नहीं है। हमको तो दिख रहा है, मेरे को कौशल में दिख रहा है। अभी आप मीटिंग में देखिए, मेरे साथ गठबंधन के लोग भी बैठे हुए थे, मेरी गाड़ी में गठबंधन का आदमी चल रहा है। तो गठबंधन जो है वो आपको जिताना चाहती है या आपको लड़ाना चाहती है यहाँ पर? नहीं, गठबंधन है तो जीतने के लिए लड़ रहा है। नहीं, हर जगह में ऐसे नहीं है। नहीं, वो आप मेरे को तो आप अमेठी तक रखिए ना सीमा, मैं यूपी का नेता नहीं हूँ। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप मतलब आपका पूरा विश्वास है गठबंधन में? मेरा विश्वास है। तो अखिलेश यादव का जो सपोर्ट है वो कांग्रेस के लिए कितना महत्व रखता है यहाँ पर? महत्व रखेगा, डेफिनेटली महत्व रखेगा। आप योगी जी से कभी मिले हैं? नहीं, मैंने मिला नहीं। आप मिले नहीं हैं? नहीं, मैं मिला हूँ एक मीटिंग में, जब एज ए सोनी जी का रिप्रेजेंटेटिव भी मैं रहा, तो उस नाते से मैं मीटिंग्स को रिप्रेजेंट मैं ही करता था जो स्टेट लेवल पे होती थी, उस समय योगी जी को मैं मिला हूँ, जब उन्होंने लखनऊ कमिश्नरी की मीटिंग बुलाई थी तो मैं था वहाँ पे। योगी जी के कार्यकाल के बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, आप मेरे को अमेठी तक सीमित रखिए, ठीक है, अमेठी का पूछे। तो अमेठी का भला हुआ है योगी जी के कार्यकाल में? नहीं, देखो उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी, थोड़ा गांव में आप जाएंगी तो आपको गड्ढा युक्त सड़कें मिलेंगी। कोविड के दौरान यहाँ पर वैक्सीनेशन वगैरह नहीं हुआ? नहीं, वो हुआ तो पूरे इंडिया में भी हुआ, तो यहाँ भी हुआ, लेकिन हुआ क्या हमारे साथ, हम लोग एक ऑक्सीजन का, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तो हम लोग एक ट्रक आया था जो ऑक्सीजन का, तो हम लोग उसको चाहते थे कि हमको अमेठी रायबरेली के लिए कुछ हिस्सा ले लें, तो इस मतलब वहाँ के उस समय के तत्कालीन जो डीएम थे उन्होंने कहा कि साहब अगर 5,000 मीट्रिक टन आप डाल देंगे तो जो अमेठी रायबरेली अमेठी को हम सप्लाई कर सकेंगे, तो यहाँ से आज्ञा फरमान की कोई कमी नहीं है, वो पूरा कर रही है, लेकिन गैस की कमी थी ऑक्सीजन की उस समय, तो उस समय उनको ये नहीं देखना चाहिए था कहीं से भी, अगर अमेठी में सोनिया जी सांसद थी उन्होंने कहीं से प्रोक्योर कर ली चीज़ तो उनको होने देना चाहिए था, वो जनता को देनी थी, कोई सोनिया जी ने खुद नहीं ऑक्सीजन लेनी थी वो, ठीक है, तो वो चीज़ें जो है ना ब्रॉड माइंड होकर सोचना चाहिए था उनको, उसको संकीर्णता से नहीं देखना चाहिए था। हर एमपी का कर्तव्य है कि वो अपने जो भी पब्लिक की तकलीफ है उसको देखे, ठीक है, लेकिन उस समय इन्होंने हमारे ऑक्सीजन का जो ट्रक था उसको भी अनलोड होने नहीं दिया यहाँ पे, और डीएम को कह दिया कि भाई आप कहो कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, उसको भी इन्होंने राजनीति से ले लिया, तो इतना थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।